हेलो दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक दर्जी कन्हैयालाल की सिर काटने की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। पुलिस ने वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैसे आज लोगों के दिलों में इतनी नफरत भरी जा चुकी है कि अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाने लगा है। एक्चुअली हमारे देश में और समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी हेट स्पीच के जरिए हिंदू और मुसलमानों को बांटने में लगे हुए हैं, जिन्हें न तो संविधान की परवाह है न ही धर्म कानून और समाज की, क्योंकि उनके एजेंडे में नफरत फैलाना ही सबसे टॉप पर होता है। ऐसे में किसी भी सरकार को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है, न कि नफरत फैलाने वाले इन लोगों से। संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की आजादी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति कानून की धज्जियां उड़ाकर आपत्तिजनक या भड़काऊ भाषण या बयान देता है तो दोषी के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एक्चुअली देश में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो सिर्फ छोटे फायदे के लिए देश को बड़े संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम करवाने से न केवल देश में आपसी भाईचारा खत्म होगा, बल्कि भारत की इकोनॉमी डेवलपमेंट और दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रह रहे इंडियंस को भी इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम करवाने से आपको राजनीतिक फायदा तो जरूर मिल सकता है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव भारत की गरिमा पर जरूर पड़ेगा, जो अब दिखने भी लगा है। अब बात करते हैं कि आखिर हिंदू क्या सच में ही खतरे में है, या ये बस एक चुनावी मुद्दा है। एक्चुअली गवर्नमेंट सोर्स से उपलब्ध सभी आंकड़े यही बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। हिंदू खतरे में है, इस थ्योरी के साथ समस्या ये है कि इसका दूर दूर तक सच से कोई नाता नहीं है। इसके साथ साथ इस तरह की थ्योरी हिंदू धर्म की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमजोर करता है। 2020 के पॉपुलेशन असेसमेंट के हिसाब से भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हैं, जबकि 1947 में मतलब आजादी के समय भारत में कुल 20 करोड़ हिंदू थे। इसका मतलब ये है कि आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी करीब 80 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ी है। अगर हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स को छोड़ दें तो इनके अलावा बाकी सभी स्टेट्स में हिंदू बहुसंख्यक है। 1951 से लेकर 2020 तक एवरेज हर साल हिंदू की पॉपुलेशन 1,14,00,000 बढ़ी है। दूसरी ओर मुसलमानों की आबादी में एवरेज हर साल 25,00,000 की बढ़ोतरी हुई, और ऐसा तब है जब मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी है। भारत में हिंदुत्व 100 सालों के ब्रिटिश राज में और 700 सालों से ज्यादा तक मुसलमानों के शासन के बावजूद बचा रहा और फलता फूलता रहा, और आज जब हिंदुओं की संख्या 1 अरब को पार कर चुकी है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो रहा है, तो ये धर्म खतरे में है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं के लिए डर का माहौल बनाया जा चुका है, और इस वजह से ही हमें सामाजिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक ताजा मामला तो हम सब जानते हैं, जिसमें न्यूज चैनल पर बैठे 2 स्पोक पर्सन बस हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे, और इस डिबेट में दोनों ही स्पोक पर्सन एक दूसरे के धर्म को लेके ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसके खिलाफ न केवल भारत में बल्कि तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। यहाँ तक कि उदयपुर में हुए इस घटना के पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि दोनों ही अपराधी ने खुद से ही एक वीडियो जारी कर इसकी वजह लोगों के सामने रखी। इस अपराध के पीछे उन न्यूज चैनल्स का भी हाथ माना जाना चाहिए जिनका काम बस दिन रात हिंदू मुस्लिम के बारे में डिबेट कर लोगों को भ्रमित करना होता है। ये न्यूज चैनल्स हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में इतने आगे जा चुके हैं कि अब ये सीधे पाकिस्तान से स्पोक पर्सन अपने चैनल्स पर पकड़ कर लाने लगे। इससे इनके चैनल की TRP भी इंक्रीज हो जाती है, और ये अपने स्टूडियो में बैठे बैठे ही एक ऐसा युद्ध का माहौल हिंदू मुस्लिम के बीच बना देते हैं, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच मन मुटाव हो जाता है और ये झगड़ना तक शुरू कर देते हैं। एक्चुअली भारत में मुसलमानों से नाराजगी की वजह पाकिस्तान से नाराजगी भी है। दुनिया में 25 से ज्यादा देशों का राष्ट्रीय मजहब इस्लाम है, इसमें से कई देश तो ऐसे हैं जो भारत के मेन ट्रेड पार्टनर भी हैं, और वहाँ बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं, लेकिन डिबेट्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट्स में भारतीय मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तान जाने की चुनौती दी जाती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश का नाम भी नहीं लिया जाता, जो 24 सालों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। एक्चुअली ऐसा कहने के पीछे भी कारण है, क्योंकि पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगे और भारत पाकिस्तान के हुए 3 बार युद्ध को याद दिलाता है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान गई थी, जिसे आज के समय भी इन मुट्ठी भर हेट स्पीच देने वाले लोगों द्वारा याद करवाया जाता है और समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े करवाने का मुद्दा बनाया जाता है। यहाँ दोस्तों हम लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि जो ये हेट स्पीच देने वाले लोग होते हैं, इन्हें सुनने के बजाय आप खुद से सच जानने की कोशिश करें, क्योंकि लीडर चाहे किसी भी पार्टी से हो या किसी भी धर्म से हो, वो बस अपना फायदा तलाशने की कोशिश में रहता है। इसलिए इन लोगों की बात में आकर कभी भी अपना भाईचारा खत्म मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।